अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आज का टॉपिक ये है कि विंटर्स आ गई है तो हमको बहुत से छोटे छोटे प्लांटर्स में, जिसमें हमने मॉस रोज या पोटूला का पर्सलिन लगा रखी थी, तो उसे हमें चेंज करना है और फ्लावरिंग सीजन के विंटर्स के इसमें डालने हैं फ्लावर्स। तो कलंजो अब फ्लावरिंग की शुरुआत कर रहा है, इसमें बर्ड्स बन गई है, तो बस इसी को हमें लगाना है। ये हमारा वॉल पर बना हुआ पीवीसी पाइप से प्लांटर और इस पर अभी तक खिलते थे खूब सारे फूल और बहुत खूबसूरत लगता था, लेकिन अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मैंने इसको निकाल दिया है। इसको रख देंगे किसी छोटे प्लांटर में और अब इसकी मिट्टी तैयार करके लाए हैं। सैंड है इसमें, गार्डन सॉइल है और कंपोस्ट है, तो इस मिट्टी को हम भर देंगे क्योंकि उसमें रूटिंग ज़्यादा हो गई थी 9 o'clock में। अब हमें इस कलंजो के बहुत सारे प्लांट्स में से एक प्लांट निकालना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैं तो बर्ड्स बनेगी, खूब सारी ये कलियाँ आएंगी और खिलेगी जब पूरे सर्दी भर तब बहुत प्यारा सा लगेगा। तो मैंने कलंजो ही लिया है इस प्लांटर में डालने के लिए। कटिंग और लीव से ग्रो कर सकते हैं कलंजो को, लेकिन मैंने रूट्स समेत लिया है और इसको ऐसे ही पीवीसी पाइप में रख देंगे क्योंकि अब टाइम है कली निकलने का, फूल बनने का, तो कटिंग से ग्रो होने का टाइम नहीं है। रूट्स है, जल्दी बन जाएगा प्लांट और फूल भी जल्दी आने लगेंगे, इसलिए कलंजो को आप तैयार कर लीजिए सर्दी में फ्लावरिंग के लिए। मिट्टी भरने के बाद मैंने इसको भर दिया है काफ़ी मिट्टी से बिल्कुल, और पानी भी डाल दिया है क्योंकि ये रूफ टॉप पर लगा है, वहाँ पे ठंडी में खूब फॉग भी होगा और धूप भी होगी, गर्मी भी होगी, तो प्लांट को चेंज ना करना पड़े, इसलिए मैंने मिट्टी को फुल भर दिया है। कम पानी जाए, कलंजो को कम पानी चाहिए रहता है क्योंकि ये एक सकलेंट प्लांट होता है। अब देख सकते हैं आप हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा प्लांटर पीवीसी पाइप से बना हुआ और उसमें लगा हुआ कलंजो फ्लावरिंग के लिए तैयार। मौसम भी हो रहा है बहुत खूबसूरत सा, बादलों में छुपा हुआ है सूरज, बूंदे भी गिर रही हैं और ठंडक तो पड़ने वाली है ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे, बाय।